इन चौखानों में रहकर मैं अपना दिन बिताता हूँ, इन चौखानों में रहकर मैं अपना दिन बिताता हूँ, आगे क्या करना है सोचता चला जाता हूँ, पूरे दिन बैठकर मैं खुद को समझाता हूँ, हर तीसरे दिन ऐसा लगता है साला कंपनी छोड़कर चला जाता हूँ। फिर वो शुक्रवार का दिन याद आ जाता है, वो दिन 2 दिन की छुट्टी आने वाली है सोचकर मन खुश हो जाता है, उन 2 दिनों में बहुत कुछ करने की सोचता हूँ, उन 2 दिनों में बहुत कुछ करने की सोचता हूँ, कमबख्त वो समय भी सोने में चला जाता है। फिर वो सोमवार का दिन आएगा, बिस्तर से उठा नहीं जाएगा, वापस वहीं जाना है, ऑफिस के काम को पूरे हफ्ते चलाना है, थोड़ा सबर तो करो यारो, थोड़ा सबर तो करो यारो, मुश्किलें तो झेलनी पड़ेगी अगर तुम्हें पैसा कमाना है, तो मुश्किलें तो झेलनी पड़ेगी अगर तुम्हें पैसा कमाना है, बाकी तो मत रहो, शुक्रवार तो फिर आ जाना है। अब ये जो कहानी थी वो थी थोड़े फ्रस्ट्रेटेड जो लोग रहते हैं ऑफिस में उनकी। अब मैं क्योंकि प्यार तो हर जगह है ही, तो ऑफिस में भी प्यार बहुत होता है, एक दूसरे की टांग खिंचाई करना ये सब करना, तो उस पर मैंने कुछ लिखा है कि एक दिन ऑफिस में एक सुंदर लड़की आ जाती है, मुझे ही नहीं मेरे दोस्तों को लुभा जाती है, कि एक दिन ऑफिस में एक सुंदर लड़की आ जाती है, मुझे ही नहीं मेरे दोस्तों को लुभा जाती है वापस। मैं भावनाओं में खो जाते हैं अपन कभी कभी। हाँ कि एक दिन ऑफिस में एक सुंदर लड़की आ जाती है, मुझे ही नहीं मेरे दोस्तों को लुभा जाती है, सब मिलकर उसकी उसकी मदद करते हैं, सब मिलकर उसकी मदद करते हैं ताकि बुरा ना लग जाए, इस बात से डरते हैं, ये एक दिन वो लड़की भी चली जाएगी जिसे बनाने चले थे तुम जीवन साथी, कहीं एक दिन तुम्हारी भाभी ना बन जाएगी। फिर एक बार क्या होता है वो बताता हूँ मैं आपको, कि हिम्मत करके एक दिन दोस्त इजहार करने ही वाला था, हिम्मत करके एक दिन दोस्त इजहार करने ही वाला था, लड़की ने पकड़ा दिया शादी का कार्ड, लड़के को पूरा हिला डाला था, हमने ही हौसला बढ़ाया था, हमने ही उसे संभाला था, वो तो डाल रही थी किसी और के गले में वरमाला और यहाँ भाई के मुंह में पनीर का निवाला था।